के मालूम ना है बा मर गई ले पर फोन रहलिए ना है एकदम फोन गई ले तो हमने आई नहीं है मन के तो उनके मायके में आई। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता महिला की मौत। महाराजगंज जनपद के फरेंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भगवत नगर परसिया टोला बसहिया में हरिराम चौधरी ने अपनी बेटी का विवाह 2015 में किया था। हरिराम पिपरा तहसीलदार फरेंदा थाना के निवासी हैं और मृतिका के पिता हैं। यहां से मिली जानकारी के अनुसार आए दिन सरोज का पति संतोष चौरसिया उसको मारता पीटता था। सोमवार की बीती रात लगभग 8:30 बजे हाकी से पीट पीट कर सरोज को मौत के घाट उतार दिया। मृतिका के पेट में 7 माह का बच्चा भी था। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पंचनामा करते हुए अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। इस मौके पर हमारे संवाददाता अभिषेक अग्रहरी ने मृतिका पक्ष के लोगों से बातचीत करके पूरी जानकारी ली। के मालूम ना है बा मर गई ले पर फोन रहलिए ना है एकदम फोन गई ले तो हमने आई नहीं है मन के तो उनके मायके में आई। अच्छा, क्या नाम था मृतिका का? सरोजा। और पति का क्या नाम है? संतोष। गांव का क्या, कौन क्या हो? बसहिया, भगवत नगर। भगवत नगर बसहिया। कौन से कास्ट हैं? चौधरी। तो लाश कहाँ पे है? टेम्पो में है। क्या है पूरा मामला, अपना नाम बताइए। हमारा नाम गंगाराम, हमारा नाम गंगाराम है। हम पिपरा तहसीलदार के रहने वाले हैं। थाना फरेंदा है। ये शादी जो है छह साल से या ज़्यादा हो या 6 साल हुआ है, इतना हुआ। इस बीच में 2-3 बार ऐसे झगड़ा लड़ाई ये दोनों करते थे। आपकी क्या है, पुत्री है? भाई की पुत्री है। क्या नाम है उसका? सरोज। और आपका दामाद का क्या नाम है, कहाँ का निवासी है? भगवत भगवत नगर पैसिया। हाँ जी, भगवत नगर पैसिया। अच्छा, उसका नाम जो है संतोष, उसके पिता का नाम जयप्रकाश। अच्छा, संकेत बोल। तो क्या मैटर हो गया? अब ये लोग पता नहीं दहेज के कारण, किस बात के कारण जो है उसको मार डाले। और सरोज को? हाँ। कब घटना हुई है? कल हुआ है। और हमको रात में 9 बजे गांव वाले फोन करके सूचना दिए, तो हम लोग जब आए तो देखे ये लोग मटन बना करके खा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो थाने में तहरीर आपने कब दिया? तुरंत वहीं से फोन करके बुलाया गया थाने पे। आपने फोन किया था? हाँ हाँ। तो आगे का क्या कार्रवाई हुआ? अब आगे की क्या कार्रवाई, मतलब जो है अपना लिख पढ़ करके ले आए, पूछताछ करके, और उस लड़के को लाए, उसकी माँ को, उसकी बहन भक्त। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं।